हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर जो है क्लास सेवेंथ इंग्लिश टू का, जिसका नाम है द बियर स्टोरी। इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें एक बियर की स्टोरी हमें दी गई है। एक लेडी रहती है, एक मैनर हाउस में रहती है एक बियर के साथ एज अ पेट। मैनर हाउस मतलब वो वाला घर जिसके आसपास कह सकते हैं कि बहुत सारी जमीन हो, आसपास खुली जगह है या लैंड है बहुत सारी, और बीच में वो घर बना हुआ एक बड़ा सा घर या फिर एक अच्छा जगह बनी हुई अच्छा घर जो है बना हुआ वो होता है मैनर हाउस। वहां पर एक लेडी रहती थी बियर के साथ में। बहुत ही फ्रेंडली बियर था वो, जो लव करता था वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी को। हमेशा इधर उधर घूमता था दिन के समय में, और रात के समय उसे चेन से बांध दिया जाता था। एक बार एक लेडी जो थी वो ओल्ड मैनर हाउस में रहती थी, और उसकी जो बॉर्डर थी बिग फॉरेस्ट उसकी बॉर्डर आसपास बना हुआ जिसे कह सकते हैं। ये लेडी जो थी इसके पास पेट था एक बियर जिसे कह सकते हैं, वो बहुत ही फॉन्ड थी उसकी। और उस बियर को उसने एक फॉरेस्ट में उसी फॉरेस्ट में उसे वो मिला था, और अधमरा था भूख के कारण जिसे कह सकते हैं, और स्मॉल मतलब बहुत छोटा था और हेल्पलेस लग रहा था। और इसीलिए उस लेडी ने और उसकी एक ओल्ड कुक ने उन दोनों ने मिलकर उसे अपने घर पे ले आया था। और ये सेवरल इयर्स एगो की बात है कि अब वो जो चीज़ है वो ग्रो अप हो चुका था बियर, और अब बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग हो चुका था, और अब वो स्लेन कर सकता था एक काऊ को, जिसे कैरी कर सकता था वो अपने दो पॉज के बीच में, अगर वो चाहे तो उसे पकड़ कर उसे खींच सकता, इतनी उसके अंदर ताकत थी। बट वो इस तरह से नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही अमायबल जिसे कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर वाला काइंड बियर था, जो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता सपने में भी कि किसी को भी वो हार्म करे, या वो मैन हो या बीस्ट हो। वो हमेशा आउटसाइड उसके कैनल के बैठा करता था, कह सकते हैं घर के बाहर बैठा करता था, और हमेशा स्मॉल इंटेलिजेंट आइज से अमायकेबली कैटल ग्रेजिंग जो हो रही थी फील्ड में आसपास, जो गायें चरने आती या कैटल आते थे चरने, उन्हें देखा करता था। थ्री शैगी माउंटेन पॉनीज जो है एक स्टेबल में, वो जानती थी उसे बहुत अच्छे से, और वो माइंड नहीं करते थे इन द लीस्ट when he shuffled into the stable with the mistress, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही काइंड बियर है, तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे। चिल्ड्रंस जो थे हमेशा उसकी पीठ पर बैठ कर घूमना पसंद करते थे, और जब भी फाउंड करते थे asleep in his kennel between his two paws, और had more than once, और बहुत बार वो उसे फाउंड करते थे कि वो अपने पॉज के ऊपर बैठकर वहाँ पर कैनल पर सोया हुआ है। थ्री डॉग्स जो है वो हमेशा पसंद करते थे उसके साथ खेलना, उसके कानों को खींचना पसंद करते थे, उसकी टेल के साथ खेलना, उसकी पूंछ के साथ खेलना पसंद करते थे, और टीज करना उसे पसंद करते थे, लेकिन वो कभी उन लोगों की बात का बुरा नहीं मानता था। कभी वो मीट को उसने टेस्ट नहीं किया था, कभी नॉनवेज उसने नहीं खाया था, हमेशा वो सेम फूड खाता था, और जैसे कि डॉग्स ऑफन सेम प्लेट जो होती थी उनके प्लेट में से खाता, ब्रेड है, पोरिज है, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये चीज़ें वो उनके प्लेट में से खाता था। फाइन एपेटाइट था उसका बहुत ही खाने का जो था, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। उसके फ्रेंड जो हैं कुक जो है वो देखते थे कि वो पूरी तरह से सिर्फ अच्छे खाने पर डिपेंड था। बियर्स जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, फ्रूट्स जो है वो सबसे ज़्यादा उनको पसंद आने वाली चीज़ होती थी। ऑटम के सीज़न में वो हमेशा बैठा करता और लुक किया करता है, देखा करता था अपनी कह सकते हैं कि मतलब खुश मिजाज आँखों से देखा करता था राइपनिंग एप्पल्स को, मतलब एप्पल्स जो हैं उनके राइपन होने का टाइम किस तरह से है ऑर्चर्ड में आए हुए। और उसके यंग डेज में उसे याद था कि वो कभी कभी अनेबल हुआ करता था कि वो रेजिस्ट कर सके अपने टेम्पटेशन को, कि वो क्लाइम करता था ट्रीज को और अपने आप मतलब हैंड जो है उसके फुल ऑफ उन चीज़ों से होते थे या फ्रूट से होते थे जो वो खाना चाहता था। बियर्स मतलब बियर जो है वो बहुत ही क्लमजी और स्लो होते हैं उनके मूवमेंट में, बट ट्राई कर सकते हैं आपकी एप्पल ट्री पे चढ़ने की बात हो तो वो बहुत जल्दी ये चीज़ कर सकते हैं। इवन एक स्कूल बॉय के साथ कंपेयर करें तो उसमें भी वो जीत सकते हैं। नाउ ही हैड लर्न, अब वो जान चुका था कि अगेंस्ट द लॉ है ये, बट वो हमेशा अपनी जो आँखें हैं वो हमेशा खुली रखता था, ओपन रखता था एप्पल्स के ऊपर, कि कोई एप्पल अगर ग्राउंड पर गिर जाए तो वो उसे ईजिली खा सकेगा। देर हैज़ ऑल्सो सम डिफ़िकल्टीज, कुछ और डिफ़िकल्टीज भी थी अबाउट बी हीव्स। He had been punished for his being put on chain for 2 days. उसे पनिश किया गया था, 2 दिन चेन से बांध के रखा गया था, ब्लीडिंग नोज उसकी हुई थी, और जिसके कारण उसने वो चीज़ को रिपीट नहीं किया। अदरवाइज वो कभी भी चेन के ऊपर नहीं उसे बांधा जाता था चेन से रात के अलावा।
क्वाइट राइटली सो फॉर अ बियर, जैसे कि डॉग की बात करें तो एक एप्ट रहता था, एप्ट है टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड अगर उसे चेन से बांधा जाए, तो इसमें कोई वंडर नहीं है। लेडी जो है उसने विजिट करती है अपनी सिस्टर के घर को हर संडे को, और वो बियर को चेन से बांधकर पूरी दोपहर जो होती है उसमें रख देती है और फिर चले जाती। एक संडे जब वो वॉक कर रही थी डेंस फॉरेस्ट से, तो उसने देखा कि वो जो बियर है वो उसे फॉलो कर रहा है। वो बहुत गुस्सा हुई इस डिसोबीडियंट या फिर उसके रूल को नहीं माना, उसके हुक्म को नहीं माना इस चीज़ से, एंड देन वो मारने लगी उस बियर को, उसकी नोज पर उसने अपनी अम्ब्रेला मार दी। बट बियर जो था बहुत ही फ्रेंडली था। इस संडे भी उसे चेन से बांध के रखा गया था उसके मिस्ट्रेस के थ्रू, जब वो अपने आफ्टरनून में अपनी मैरिड सिस्टर के घर जा रही थी जो एक सॉलिटरी हाउस में रहती थी जो अदर साइड में था माउंटेन लेक के। गुड आवर्स वॉक, एक कुछ समय की वॉक के बाद में एक डेंस फॉरेस्ट में वो जाती है, और इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वैंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन। ये उसके लिए ठीक नहीं था कि सारे टेम्पटेशन के साथ में वो फॉरेस्ट में इस तरह से घूमते रहे। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो उससे लगा कि मैं क्यों सेफ साइड में रहूं, और बैड सेलर क्योंकि वो था, ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर। और उसके बाद में वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ वाइन व्हेन ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। अब उसे ये था कि वो एक बार जब उसे ले गई थी तो उसे ये था कि वो लोग अच्छे से सेलर नहीं थे, और इसीलिए उनकी जो बोट थी वो हवा के कारण उसमें उल्टी हो गई, जिसके कारण उसकी मिस्ट्रेस को और उसे दोनों को वहां पर तैर कर किनारे पर आना पड़ा था। अब वो जानता था इसका मतलब ये है कि अब हर संडे को जो मिस्ट्रेस है वो कभी भी उसे अपनी बहन के यहाँ नहीं ले जाएगी। फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड प्रॉमिस, और जो मिस्ट्रेस थी वो हमेशा, या जो उसकी जो मालकिन थी वो हमेशा उसके सिर पर हाथ फिराती और कहती कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम अच्छे से यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें आने पर एप्पल दूंगी। वो बहुत ही सॉरी हुआ इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं जा पाऊँगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक अच्छे डॉग की तरह वो अपनी मिस्ट्रेस की बात को टाल ना सका। Cannot come with her for a walk, और फिर वो कहता है कि ठीक है वो उसके पीछे नहीं आएगा। एक संडे जब लैडी जो थी उसने चैन किया था उसे, और यूजुअल तरह मतलब हर समय की तरह या हर संडे की तरह, और जब वो हाफ वे जाती है फॉरेस्ट से तो सडनली उसे एक जोर से क्रैकिंग साउंड सुनाई आता है ट्री ब्रांच का ऑन द वेंडिंग फुटपाथ। हवा के कारण उस फुटपाथ पे उसे जोर से सुनाई आता है उसके पीछे से, और वो पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है एकदम हॉरिफाइड होके कि बियर जो है या उसका जो भालू है उसका पेट जो है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। बियर जो है वो देखता है कि वो मूव करेगा या धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाएगा, बट शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन द ट्रॉटिंग हॉर्स। लेकिन वो इतना फास्ट वहाँ से भागते रहता है कि वो बिल्कुल एक ट्रॉटिंग हॉर्स की तरह दिखता है, और एक मिनट में वो उसके अपनी मालकिन तक आ जाता है। पेंटिंग करता है, स्निफिंग करता है उसे ताकि वो उसे यूजुअल प्लेस दे दे डॉग फैशन एट हर हील्स। लेडी जो है बहुत ही एंग्री होती है उसे देखकर, और वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है लंच के लिए, और उसके पास समय नहीं होता कि वो फिर से घर जाए बियर को छोड़ने के लिए, और ना तो वो बियर को अपने साथ ले जाना चाहती है। इसके अलावा वो बहुत ही नॉटी होता है उसके साथ में, और उसे कहती है कि तुमने डिसोबे किया है उसे, और वो उसे कहती है कि तुम वापस जाओ घर पर, मैंने जो तुम्हें कहा था वहाँ जाओ, और अपने पैरासोल को या अपनी चप्पल को वो एडजस्ट करते रहती है। देन वो स्टॉप होता है एक मोमेंट के लिए, उसकी तरफ देखने लगता है कनिंग आई से, बट वो जो है वो वापस उसकी तरफ देखती है गुस्से में, स्निफिंग करने लगता है उसकी तरफ। जब लेडी जो है देखती है कि वो लॉस्ट कर चुका है उसकी न्यू कॉलर को भी, मतलब कह सकते हैं कि वो जो पट्टा उसे बांधा गया था वो उसने तोड़ दिया है इस तरह से, अगर वो देखती है तो और ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती है और उसकी नोज पे अपने पैरासोल से जोर से मारती है, बहुत ही हार्ड मारती है कि वो जो है वो दो पार्ट में टूट जाती है उसकी पैरासोल्स जो है वो। देन वो स्टॉप होता है अगेन, और शुक करता है अपने हेड को, ओपन करता है अपने बिग माउथ को या अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो शायद कुछ कहना चाहता है। देन वो वापस से मूव करता है पीछे की तरफ और बिगिन टू शफल शफल करने लगता है। पैरासोल मतलब अम्ब्रेला की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, अम्ब्रेला जो है उसकी दो पार्ट में टूट जाती है, उससे वो फिर से उसे हिट करती है इसलिए। अब जब वो वापस से आती है स्टॉपिंग नाउ बैक द वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, एंड देन
to look at the lady till at last she lost sight of him. और तब तक वो पीछे खड़ के पीछे मुड़ जाता है और वहीं खड़ा रहता है. लेडी जो है वो आगे निकल जाती है लंच के लिए और वो तब तक लेडी को देखते रहता है पीछे मुड़ के जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती. जब लेडी शाम को वापस घर आती है तो बियर जो है उसे देखता है, यूजुअल प्लेस जो है उसकी कैनल के ऊपर वहाँ बैठा हुआ दिखता है और बहुत ही उसे सॉरी फील होते रहता है अपने लिए कि मैंने इस तरह नहीं करना था. लेडी जो है वो तब भी बहुत गुस्से में होती है और वो उसके पास जाती है और वहाँ पर जाके उसे बहुत डांटने लगती है. उसे कहती है कि अब तुम्हें मैं सजा दूंगी कि तुम्हें और 2 दिन मैं बांध के रखूंगी. ओल्ड कुक जो रहती है जिसके साथ मिलके जब लेडी ने इसे यहाँ पर लाया था इस बियर को, वो ओल्ड कुक जो है वो किचन से भागते भागते बाहर आती है और कहती है कि तुम इसे क्यों डांट रही हो मिसेस, क्योंकि ये जो है बहुत ही गुड है और गुड एज गोल्ड द होल डे. ये पूरा दिन यहाँ पर बैठा रहा जैसे तुमने कहा था और यहाँ पर बैठा रहा बिल्कुल शांति से उसके हॉन्चेस के ऊपर, जैसे कि बिल्कुल जो भोला आदमी या जिसको आपने कोई ये दिया हुआ है कि आपको इस तरह से करना है, जो आज्ञाकारी जिसे कहते हैं मिक एज एन एंजल, बिल्कुल आज्ञाकारी एक एंजल की तरह वो यहाँ बैठा रहा. होल टाइम वो गेट की तरफ देख रहा था कि तुम वापस कब आओगी, इसलिए तुम उस पर इतना गुस्सा मत करो, उसने तुम्हारे रूल को बहुत अच्छे से माना है. एक्सल मुनेथ ने ये स्टोरी लिखी है बियर के बारे में, इस पेट के बारे में, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है. तो फ्रेंड्स इस तरह से इस चैप्टर को, इस स्टोरी को हमने यहाँ कंप्लीट किया है. अगली स्टोरी के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.